शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए हटिए हटिए हटिए, साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम, आइए, चलिए, टेक इट इजी, साइलेंस। हीरो, ये बैग मुझे दे दीजिए। आइए आइए आइए, यहाँ वहाँ देखिए, आइए 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 आइए। ये मेरा रूम है, अब ये आपका रूम है। और आप? मैं तहखाने में रहूंगा। Are you sure? Yeah, yeah, sure, 100%. और मैं खुद ही मिल लेता हूँ। ये लेडीज बाथरूम है, इसे आप इस्तेमाल करिए। और ये जो है, आप एक काम करिए, मैंने आपको आपका रूम बताया ना, आप जाके आराम करिए, ओके? किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज, हटिए हटिए, मुझे याद करना, ठीक है? मुझे बुलाना, ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या बात है, हीरोइन है हमारी। ए फेले ले, इस लड़की को हम लोग से भी तो मिला, अपनी असलियत और हमारी असलियत भी तो बताओ उसको। जितना बताना था बता चुका हूँ उन लोगों को तुम्हारे बारे में, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे। पड़े आए मुंह उठा के चल पड़े। हाथ ला, मान गया, ये लड़की चलेगी हीरोइन के लिए चलेगी। लेकिन एक बात बताया, तू ये लड़की को कहां से उठा के लाया? उठा के नहीं ला, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी। हाय रूपा, ना लिया? रूपा, तेरा मामा यहाँ लंदन में? क्यों, कमाल है, तेरा खानदान बोरीवली के बाहर नहीं निकला और लंदन में मामा? चलना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मेरी हीरोइन है तो। आपको कोई दिक्कत है? क्या 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 बोला? दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। सेठ जी, मेरे मामा के खास दोस्त ने ये कहा है कि मुंडी उसी प्ले में काम करेगी जिसमें मैं हीरो हूँ, और साथ में ये भी कहा है कि वो खाएगी पिएगी मैं जो खिलाऊंगा उसको, उसका ध्यान मैं रखूंगा, और साथ में ये भी कहा है कि वो किसी से बात नहीं करेगी। सेठ जी, आप ये होने नहीं देना, ये आप होने नहीं देना, ये एक हीरो से हीरो का काम छीनना चाहता है। सेठ जी, ये इसकी साजिश है। मेरी साजिश है? मैं साजिश कर रहा हूँ सेठ जी? सेठ जी, मैं लोगों के रोल काटता हूँ, इसका भी काट दूंगा। सेठ जी, कभी आपने सुना कि एक विलन हीरो के लिए हीरोइन लेके आता है? कभी आपने सुना? अरे विलन वो होता है जो हीरो के ताबे से हीरोइन को उड़ा ले जाए। बस तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला, आज से तू विलन, मैं हीरो, खत्म खत्म खत्म। अबे ओए गुप्त ज्ञान, तू फैसला करने वाला होता कौन है? अरे क्या कर रहे हो यार? सेठ जी, आप फैसला करिए, आप फैसला करिए। हीरोइन ढूंढने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या बोला? क्या भाई, मैं बोलता हूँ कि तेरे को ये विलन बनने में जाता क्या है यार? दो फाइट से ना इसको लात भी मारने को मिलेगा, बन जाना। मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुए मैं हीरो रहा हूँ ना। तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना। अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? अभी अक्कल छक्कल की बात मत करो, वरना मुझे कोई तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था भाई, अरे मैं सुन चुका हूँ यार, मैंने पहले ही कहा था कि जो लड़की लेके आएगा वो हीरो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस बोल, अभी तो विलन बनेगा कि नहीं? टाइम वेस्ट मत कर, तू विलन बन। क्या हुआ नाखून को? चलो भाई, लोंडे ने फैसला कर लिया, चलो भाई, चलो चलो अपने अपने घर, चलो 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 चल भाई, हो बाथरूम में जाके ब्रश कर, चल 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 भाई, ओके बाय 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 बाय। नाटक में तो नहीं, लेकिन इसकी असली जिंदगी में मैं विलन बनूंगा। क्या देख रही हो? कितना सुंदर है ना। क्या ये दो अंशों का जोड़ा? नहीं, पानी कितना गहरा होगा? मैंने उतर के नापा थोड़ी है, अंदर कूदूंगा तो पता चलेगा। मैं कूद कर देखूं? क्या आपने कहा था कि गहरा है, मैं कूद कर देखती हूँ। गहरे ठंडे पानी में कूद जाऊंगी तो गर्म सांस धीरे धीरे ठंडे पानी में पिघलने लगेगी, फिर कुछ देर बाद शरीर अपने आप तैरने लगेगा और लहरों के सहारे वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। चल अंदर जा, अंदर जा। ओली विश्वजीत, ले हाँ पढ़िए विश्वजीत। हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है? पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो? अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें ना कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत, परमजीत। कौन परमजीत? मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है। अभी अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात, बाद में चिल्लाते रहने का है? ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है। ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल। डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है। ए यार, तेरे को क्या हो गया? चुनीलाल? मणिलाल। कौन मणिलाल? तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल। ये नाम मैंने कब रखा? बचपन से। बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले अभी 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 मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथीलाल है बस। ओ जीसस। जीसस, अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथीलाल है, अभी जीसस की डाउट।
गेट आउट, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ वरना मैं तुम्हें काट खाऊंगी। आज मत काट दो, अभी कल का जख्म पूरी तरह भरा नहीं है। चलना भाई जीजाजी, चलना। जीजाजी नहीं, मैं आपका दामाद हूँ। वो तो बाहर ना, घर में तो हम दोनों नौकरी है ना। चल चल। फ्रांसीसी छात्रों ने प्रदर्शन किया। कहाँ फंस गया मैं, ग्रीन कार्ड के चक्कर में शादी की और अब ग्रीन सब्जियां काट रहा हूँ। अब कुछ खबरें भारत से। खतरनाक माफिया सरगना गुरु गुलाब खत्री, जो कि स्वर्गीय गृह मंत्री श्री मणि शंकर शर्मा की हत्या का प्रमुख आरोपी है, अब तक लापता है। लोगों को प्यार से कॉफी पिलाने के बहाने उनकी हत्या कर देने वाला मशहूर गुरु गुलाब खत्री अपने दुश्मन गिरोह के माफिया डॉन विक्रांत के साथ भी दगाबाजी कर चुका है। इसलिए अब विक्रांत ने गुरु गुलाब खत्री की जानकारी या उसका पता बताने वाले को 2 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब कुछ खेल समाचार। डैडी जी, आपने देखा क्रिकेट पर सट्टा 2 करोड़ का इनाम? कड़ी से कड़ी। अरे भाई, तू जल्दी से नाश्ता डाइनिंग टेबल पे नहीं पहुंचाएगा ना तो वो 2 गुंडी हमारी मुंडी पे इनाम डिक्लेयर करेगी, वो भी 2 डॉलर का। चल चल जल्दी चल, और चाय लेके आ, चल। डैडी, मेरे लिए अमेरिकन चॉप सुई बनाना। मैं नहीं बनाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं बनाओगे? मेरे को $50 चाहिए। क्या, हम खाना खाने के पैसे नहीं लेते, तुम्हें खाना बनाने के $50 चाहिए? माता जी, मेरे को ये सब खरीदना पड़ेगा ना, भाजी वेजिटेबल उसका चाहिए। खाना बनाने का मैंने अभी तक मांगा है। पिछले हफ्ते $50 दिए थे, उसका हिसाब नहीं दिया अब तक? भाई दे दूंगा। अरे हिसाब देना कोई खाने का काम नहीं है, सब साला सोच के करना पड़ता। फिर गोटल हो तो तुम ही मुझे काटने को दौड़ती हो यार। अभी देख, आज तू मुझे $50 देगी ना, है ना, तो उसका है ना मैं टोटल हिसाब साथ में दे दूंगा। ओके, ये शाम को हिसाब दे देना। दे दूंगा ना, घर के बाहर नहीं निकलना है मुझे। चल भाई, तोल मोल। तोल मोल नहीं, अनमोल। ओ चल भाई, चलो दामाद जी, चल चल चल। क्यों ऐसा मुंह लटका के खड़ा है? हाँ चल, दांत तोड़ने नहीं जाना, चल आ जा। क्या हुआ है, क्यों उदास खड़ा है? सोच रहा हूँ कि खुशी की तलाश में अमेरिका आया था और मिले तो इतने सारे गम। इस जिल्लत की जिंदगी से परेशान हो गया हूँ डैडी जी। मैं सब समझता हूँ भाई, सब समझता हूँ। दिन भर क्लिनिक में काम करते रहो, एक एक डॉलर जमा करके मम्मी जी के हाथ में रखो, फिर भी नौकर से बदतर जिंदगी। मैं तो सोचता हूँ मौका मिलते ही इंडिया भाग जाऊं। अरे भाई, मौका तो मैं भी 25 साल से ढूंढ ही रहा हूँ ना, लेकिन ये सत्यजीत ने पासपोर्ट दबा के रखा है। कौन सत्यजीत? ये तेरी सास, मेरी बीवी। ये साली गलती मेरी है ना, मैं उससे शादी करता ना मेरे को बेटी होती और ना तू उदास होता। ये ले $20 रख। $20? तूने अंदर मांगा था ना, रख ले। लेकिन लेकिन आप। अरे मैं तो सब्जी के हिसाब में झोल झाल कर डालूंगा ना। सब्जी लेने में 20 मिनट जाती है और हिसाब लिखने में 3 घंटा। और वो पेंट लेने का भूलना नहीं हो, फर्स्ट क्लास पेंट ले लेना। चल आजा आजा आजा, मुझे बनिया की दुकान पे छोड़ने तो काटेगी मैं। कौन है बोल, कौन है तू? चोर? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस? चोर? कौन है तू? बता बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। बता बता। मैं कौन? मैं कौन? तू दादा? तू कौन? तो मैं समीर। समीर? कौन समीर? समीर आपका पोता। समीर मेरा पोता, तू आ गया अमेरिका से। तो अभी तक तू बोला क्यों नहीं? हाँ, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। कैसे आया? उड़के? उड़कर आया? प्लेन में अचानक आ गया? बताना चाहिए था ना, आ रहा है। खत लिखता, किसी को बोलता, फोन करता। स्वदेश देखी ना, इसलिए आ गया। स्वदेश? विदेश में स्वदेश? ओहो, अब आप अपनी मिलिट्री गिरी छोड़ दीजिए। मेरा पोता इतने सालों के बाद आया है, उसे सांस तो लेने दीजिए। आजा आजा बेटा, आजा आजा आजा। कितने सालों के बाद आया, बैठ बैठ आराम कर, उड़कर आया है, थक गया होगा, बैठ बैठ बैठ। अरे कहाँ जा रहे, बैठ बैठ। तेरा सामान कहाँ है? लाया हूँ ना, 3-3 सूटकेस हैं। अंदर रख देना, यहाँ चोर लुटेरे बहुत घूमते हैं।
कौन से फ्लाइट से आया? वो अमेरिका से। हाँ? न्यूयॉर्क टू गोवा। गोवा डायरेक्ट हो गया? तो शिकागो में रहता है ना? वो शिफ्ट हो गया ना? शिफ्ट हो गया। न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है वो? अपना न्यूयॉर्क है ना? वो तो है, कहाँ है? पूरे न्यूयॉर्क में कहाँ रहता है? झांसी की रानी। झांसी की रानी मशाल। भाला साहब के घर के पास नहीं रहता। पुतला। पुतला? बाटे का पुतला, लिबर्टी का पुतला, लिबर्टी के स्टैचू के सामने है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन पुतला तो दरिया में है। कब से? हमेशा से। कि वो भी शिफ्ट हो गया? वो मैं मजाक कर रहा था, घर की खिड़की खोलो तो सामने पुत। अच्छा, उसके सामने घर क्या? तेरे माँ बाप आते तो कितना अच्छा होता। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? दादाजी बिल्ली थी। बिल्ली थी कि बैल था? बिल्ली चाइनीज है। ओ, वाए वाए। तू चुप, ऐसे बात करेगा अपने दादाजी से? कहाँ के संस्कार तेरे? क्या दादा बिल्ली पे जोक भी नहीं मार सकता? परदेश से ये सीख कर आया तू? अबे तू रुक रुक। कौन गया? गया कौन? दादाजी रुक नहीं, भूख भूख। भूख तो लगेगी ही, इतनी दूर से आया है। तू रुक बेटा, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। चार थाली। चार थाली क्यों? वो तीन तीन सूटकेस उठा के लाया हूँ ना, इसलिए भूख लगी है। तीन सूटकेस, चार थाली, बराबर। नहीं 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 नहीं, चार नहीं, आज एक ही थाली में तेरे दादाजी, तू और मैं साथ खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी ला। तेरी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? वो दादाजी, वो पेट खाली है ना, इसलिए आवाज गूंज रही है। गूंज रही। देवा, तूने अपना पोस्टल एड्रेस नहीं बताया बेटे मुझे। हा? सुनते हो? हाँ। घी का डब्बा नीचे उतार दो। जाइए, डब्बा निकालिए। पोता है तो देसी घी निकलेगा, वरना हमको नो ऑयल नो घी। बाहर आ गए और अंदर ज्वालामुखी है, जाए तो किधर जाए? आइए आइए, आ गए आप लोग। डार्लिंग, आई वाज वेटिंग फॉर यू। लगता है हम लोग गलत घर में आ गए। नहीं नहीं दामाजी, आप सही घर में आए हो। मुना बेटी, पापा के लिए ठंडा पानी लाओ। नारे ना, मैं तो गर्म पानी से बर्तन धोता हूँ ना, ठंडा नहीं हो। बर्तन धोने के लिए नहीं, पीने के लिए। ये तो ठंडी लस्सी पिला दे। ओहो, लगता है इसमें सती ललिता की आत्मा घुस गई हो। सती ललिता नहीं, सती सावित्री। चलो चलो खाना खा लो, आपको तो भूख लगी होगी ना? अरे भूख तो जम के लगी है, लेकिन पहले खाना बनाना पड़ेगा ना। अभी तो हाथ छोड़ेगी तो मैं चूल्हा जलाऊंगा ना। खाना तैयार है। आंसू है? ये है डार्लिंग, तुमने दूसरी शादी कब की? बुलाया तक नहीं हमको। ओहो, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आओ खाना खा लो। देखो जी, तुम्हारी पसंद का हलवा। हलवा? वो हलवा खाना नहीं हो, वो हलवा खिलाकर ये ब्लैक एंड व्हाइट को जलवा करेंगे। प्राणनाथ, रोज रात को इंडिया जाने का सपना देखते हो ना? एक मिनट, ये प्राणनाथ कौन है? और साला मेरी तरह सपना क्यों देखता है वो? ओहो, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। ये लो तुम दोनों के पासपोर्ट। हमारे? हाँ, और ये लो आपके एयर टिकट। पासपोर्ट। जय खोडियार मां, जय खोडियार मां। साली हरामखोर, साली कुतरी, कुल्टा। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा मैं खामखा तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। वाह वाह, ऐसा प्यार से कभी किसी ने डाइवोर्स नहीं दिया होगा। मैं डार्लिंग, तुम्हारी कैद से छूटने के बाद में इंडिया में जब आजाद घूमूंगा ना, तेरा ही सपना देखा करूंगा। खरे कर, चल भाई पिनबॉल चल। रुको, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 10-12 दिन के लिए इंडिया भेज रही हूँ। ले आ तो जमानत पर छोड़ रही है। हाँ, वो भी 2 करोड़ रुपए लेकर इंडिया से वापस आना है। 2 करोड़? अभी डार्लिंग, तुम इस उम्र में दहेज मांगती हो? छी छी छी। ओ शट अप, ये देखो, ये तो हमारा एड्रेस है, मालूम है, इधर कभी नहीं आने का है हमको। अरे बाबा पीछे देखो। किधर? ओहो यहाँ देखो। अच्छा इधर, पूरा बोलना यार। ये तो गुरु गुलाब खत्री है।
हाँ, और तुम्हें इंडिया जाकर विक्रांत को खबर देनी है कि ये आदमी हमारे पड़ोस में रहता है। नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं, हम इंडिया नहीं जाएंगे। ठीक है फिर, मैं विक्रांत को ये वाली फोटो भेज दूंगी और कह दूंगी कि तुम दोनों ने ही गुरु गुलाब को छिपा के रखा है। मम्मी जी, विक्रांत के हाथों नहीं मरना। तो फिर तुम्हें इंडिया जाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। आधे घंटे में बंगला साफ कर दो, 15 मिनट में बर्तन साफ कर दो, 10 मिनट में कपड़े धोकर प्रेस कर दो, 5 मिनट में रात का खाना तैयार करो और 2 मिनट में 1 मिनट में हम लोग इंडिया चले जाएंगे। बाय। हमारी बुकिंग इंडिया में होटल मेरिडियन के रूम नंबर 502 में कर दी गई है। कल सुबह जाने के लिए तैयार हो जाना। ये वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को? तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। अगर हम मर भी गए ना, तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे को? शर्म नहीं आई? 2 दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, शर्म नहीं है पैसे? अरे तुम दोनों की सौगंध, मेरे को नहीं मालूम है पैसे किधर से। सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम यार। मैं सच कहता हूँ, मैंने अभी अभी पैसे देखे हैं। ये तो ये पैसे कहाँ से है? तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 देख, कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। इसको बोल जुबान संभाले, मैं इसका सेठ हूँ। अरे सेठ होगा मेरे जूते से, या तो इसने चोरी किया या किसी का पॉकेट मारा है। क्या चिरकुट भांडो की तरह लड़ रहा है तुम लोग सड़क के ऊपर यार? भूख लगी, खाना खाना, पैसा आ गया, खाओ ना यार। नहीं चाहिए मुझे चोरी वाले, नहीं खाऊंगा इन पैसों से। थैंक यू, मैंने इतने साल सबको काम दिया, सबका पेट पाला, सबको अपना बना के रखा, इसके लिए मुझे मिलना ही था बदले। मैं चोर हूं ना, पॉकेट मारू, ये चोरी का पैसा है। चल, तेरे को मैं ये चोरी के पैसे से पानी की एक बूंद भी नहीं दूंगा। और तू इतना याद रखना, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। बंटे तू मेरी बात तो आज फैसला किया ना? मैंने तो बचपन से फैसला कर लिया था कि अगर मैं मर भी रहूंगा तब भी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे हाथ का पानी पिएगा ना उसे मोक्ष तक नसीब नहीं होगा। इतने गद्दे और घटिया किस्म के इंसान हो, बच्चों करने वाला चीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? बबला चल। वो देखिए, ककड़ी देख रहे, ककड़ी देख। चाट मसाला होता ना यार, तू खाने का मजा ही कुछ और होता है। सूरत से लाया हूँ मैं, खमंड खाया हूँ, चाट रहेगी हो। क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ, वरियाली है, मुखवा से निकल ना। अरे सुन ब्रदर, चाकू है, चाकू। यस देवी गो। हाँ उधर पेपर ले, ये लो, ये लो। और दो तीन ककड़ी। ओके बॉस। अभी इसको कैसे खाने का मालूम है तेरे? नहीं, इसका ऐसा गोल गोल छोटा छोटा टुकड़ा करके ये मसाला लेने का, फिर ऐसा छिड़क, फिर छिड़कने के बाद अल्फा अल्फा मिला के एक टुकड़ा उठा, इसका ककड़ी का, ककड़ी का, और फिर इधर रखने का। सड़ी, ये गरीब छोकरे को भी कुछ दे दो ना। नहीं, चोरी का पैसा है ना अपना, उससे कुछ खरीदेंगे तो हराम का माल, ये बेचारा साधु आदमी को पचेगा नहीं ना। हाँ। तू एक काम कर, तू अंदर जाकर पैसा दे दे, तब तक मैं फसा चाट मसाला तैयार कर। ओके सर। ये काली मिर्च होती तो मजा आ जाता। लाया हूं ना मैं, काली मिर्च है तेरे पास? हाँ है। क्या बात है, तू आदमी की कबाट है यार। कबाट भरे ले, खोपड़ी खा ली। अरे जिसके भरे लिए वो पका के खाए ना, नहीं लगने का। पैसे वाले गरीब आदमी के मुंह नहीं लगते। तू जाने दे। ओ हां, मैं भी नहीं लूं। तू जाने दे। आजा मेरी ककड़ी, तुझे कैसी पसंद, ककड़ी पे मसाला कौन खाएगा, शेख का साला ककड़ी पे। Mm-hmm.
मिल गई नाड़े। कैसी है? अरे अप्सरा होगी, लेकिन देखने मिलने का प्रोग्राम होगा तो मैं ही नहीं आने वाला हूं। देख, इतना अड़ियल टट्टू मत बन, इस बार मेरा घर जरूर बसेगा। बस ये आखिरी बार बुला रहा हूं। तेरा हर बार आखिरी बार होता है, इस बार सचमुच आखिरी बार है। ला हाथ ला, हाथ ला। ए? आटे वाला चलेगा? अरे आटे की वजह से नहीं, ये आखिरी बार बोल के मेरे हाथ की कितनी बार कसम खाएगा तू? वो पता नहीं, लेकिन बस ये आखिरी बार है सचमुच, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। हैं? मैंने लड़की के बारे में सब पता कर लिया है। देख, इस फोटो से लड़की का चेहरा मिलाऊंगा और देख उसे पहचानूंगा, पसंद करूंगा, और तू फटाक से रिश्ते की बात लगा देना। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, किधर है? हाँ, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तू लड़की पसंद करता है तो तू ये बात क्यों नहीं करता है? देखो देखो, बात सुनो मेरी, दूल्हा हमेशा सुशील, सद्गुणी और शर्मीला लगना चाहिए, और घर वालों से बात तो बड़े बुजुर्ग ही करते हैं ना। है? देख, तू बिखरी हुई बूंदी एक बार समेट ले, उसके लड्डू मैं बना लूंगा, लड्डू खा, और कल का कर रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे उसकी। ओहो, रजिस्टर्ड मैरिज? हाँ, क्यों, किसी को बुलाओगे नहीं है? अरे मेरा हाई कौन जिसे बुलाऊंगा, क्यों है ना, पहली वाली बीवी लंदन वाली। अरे बुलाया था ना उसको एक बार शादी में। किसकी? मेरी और उसकी। हे भगवान, मंगल कार्य होने जा रहा है, उस डायन का नाम क्यों लेते हो? तो तू नहीं जाएगा मेरे साथ? ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा शादी, मैं जा रहा हूं तेरे घर से मुंह काला करके। क्या खाक दोस्ती है? क्या हुआ, पैर में मोच आ गई? पैर में नहीं, दिल में। दिल में मोच आई तो कुर्सी कैसे गिरी? मैं तुझे लिए बगैर यहां से जाने वाला नहीं हूं। उतरो राणा जी, शुक्र है टाइम पे पहुंच गए। इसका पैकेट देना। सब ठीक यहाँ? अरे कन्या इसी कॉलेज में तो पढ़ाती है, उसके आने का टाइम हो गया, बस आती होगी। यहाँ खड़े रहेंगे तो आते हुए दिखाई देगी। खड़े रहना यहाँ पे? अच्छा तू इधर खड़ा रहे, मैं देख के आता हूँ। अरे मैं अकेला यहाँ पे। ओ चाचा जी, क्या चाहिए, ठंडा ठंडा कुलकुल या गर्मा गर्म पेश करूँ? अरे एनर्जी पी लो, बदन में सुरसुरी आ जाएगी। अरे सुरसुरी अंदर गई है ना, कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ा पूरा ठरके लग रहा है दोस्त। क्या चाचा, पंछी देखने आए हो क्या? आंख वाँख सेकने तो नहीं आयो चाचा? पढ़ाई कर बेटे, पढ़ाई कर, समझा? पढ़ाई की बात कर रहा है बुढ़ा। पुलिस कंट्रोल रूम तारामल, सफा चट मत करना चाचा जी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ देना चाचा। अरे सुन, तूने कौन सा डिपार्टमेंट बोला था? इतिहास। डॉक्टर सुबह जाके सीधा डिपार्टमेंट में बात करते हैं ना। अरे कन्या पसंद आएगी तो ही बात करेंगे ना, नहीं तो खाम का मेहनत क्यों करें? लेकिन फोटोग्राफ तो है ना। अरे अरे फोटो से कुछ नहीं होता, फोटो से धोखा खा सकते हैं यार, काली गोरी नाटी लंबी, कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है। तू एक मिनट इधर हटना यार। वो देख, टीचर्स का झुंड आ रहा है। अरे सब देख रहे हैं, इस तरह खाने पे टूट पड़ना अच्छा नहीं, तू मार खिलवाएगा यार। ओए तू छोड़ना मुझे यार, लो निकल गई। सुन सुन, बेटियो बेटियो रास्ता दो, बेटियो एक मिनट, आंटी को देखना है, बेटियो बेटियो रास्ता दो। अरे एक अरे वाह चाचा, क्या गॉगल्स है, अबे एकदम अमिताभ लगता है रे। थोड़ी सी कम है। अरे बाकी तो अमिताभ ही लगते हैं ना। पता होगा तुम्हारा बाप। अरे बाप तो कहीं को जाते रे तू, तुम नाटक क्यों बोलते हो? माफ करो माफ करो, हम लोग जा रहे हैं, माफ करो। अरे लेकिन लेकिन बाप की गाली कैसे दे सकता है? अरे तो नाटक क्यों बोला मुझे? तो क्या बाप की गाली देगा क्या? आपके बाप की उम्र का तो बाप की गाली देगा। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार? पता नहीं कहां कहां से आए भाई। जाओ जाओ जल्दी जाओ। राशि के हिसाब से शुक्र दशा चल रही है मेरी, कुंडली से यारी तो क्या करेगी फौजदारी। कहां से यार?
कौन लुच्चा लफंगा साला लड़कियों को छेड़ता है यहाँ पर है? ये दोनों बुढ़े, अबे पक्के बाल गुलाबी गाल है, धोती पहनकर तुम दोनों तीरथ घूमो, पेटी जैसी लड़कियों पर डोरे डालते हो। पर मेरी बात सुनिए, मैं आपको सच बताता हूँ। अबे तू क्या सच बोलेगा, सच मैं बुलवाऊंगी चल थाने, चल चल। अरे वो भाग रहा है। अबे ओए सूरदास की शर्ट वाले, तेरी इधर। ए तू आ